Now see, today's topic is the moment of inertia of a rod. Let's say I am taking there's a rod. Suppose a rod le lete here, and the length of the rod is L. Length is L, and mass is M. Let's say this is a center of mass. So I am taking here a central axis here, this is a axis, and rod is rotating about this axis, and you have to calculate moment of inertia. Are you getting your diagram? Rod having mass m, this is axis of rotation. AOR means axis of rotation. No. See here. So मैंने बोला था you have to take a very small mass. कोई एक small mass लेना पड़ेगा. Let's say I am taking here as a छोटा सा mass ले लेते हैं this one. इसका length कितना dx. dx. और इसका डिस्टेंस यहां से कितना है लेट्स से x, ये ds ले लिया, इसका डिस्टेंस x है, ये छोटा सा और यू कैन से इसका जो जस्ट वेट बेटा एक सेकंड, इसका मास ले लेते हैं लेट्स से dm, छोटा सा मास, और इसकी लेंथ ले लेते हैं छोटी सी लेंथ dx, dx. तो हमको कैसे मालूम चलेगा व्हाट इज द मास ऑफ दिस, ये छोटा सा जो एलिमेंट लिया है इसका मास क्या है? तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा m बाय l, हाँ? तो एलिमेंटल मास क्या हो जाएगा, एलिमेंटल मास छोटा सा जो मास लिया है, एलिमेंटल मास इज इक्वल टू यूनिट लेंथ का मास m बाय l है, तो dx लेंथ का मास क्या होगा m बाय l इंटू dx, यूनिट लेंथ का मास, लिसन प्रॉपरली, यूनिट लेंथ का मास m बाय l है, तो dx लेंथ का मास कितना होगा m by l into m by l into dx. चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, तो ये छोटा सा हमको मास मिल गया, दैट इज एलिमेंटल मास हियर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm into r square, dm की जगह ये रख देंगे m by l into dx, और r स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा x स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह x स्क्वायर आ जाएगा, लिमिट क्या रखेंगे अगर हम इसको, हाँ यहाँ पे अगर सेंटर से निकाल लें तो इधर होगा माइनस एल बाई टू और इधर होगा एल बाई टू, तो लिमिट रख देंगे इसको माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, एम बाय एल बाहर चला जाएगा x स्क्वायर dx, yes, m by l, x squared का integration क्या होगा x cube by 3 minus l by 2 and plus l by 2, मतलब left से right, पूरा यहां से इधर left से right देना पड़ेगा, limit रखेंगे तो क्या होगा m l 3 will come out, रखेंगे ले क्या होगा l cube upon 8, इसको रखेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एल क्यूब अपॉन 8, 4 3 तो कितना हो जाएगा, इट बिकम 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर 4 से कैंसिल होगा 4, नीचे 12 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12 आएगा. Are you getting? तो
जेई के स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नीट के स्टूडेंट की जरूरत नहीं, उनको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करेंगे तो इट विल वर्क। तो देख लो हमने कैसे किया है। यूनिट लेंथ का मास m बाय l है, तो एलिमेंटल लेंथ का मास कितना हो जाएगा, दैट इज dm। तो एलिमेंटल लेंथ का मास, कॉपी ऑन दिस वन, इसको कॉपी कर लीजिए। सर वो लास्ट सेकंड लाइन में आपने m by 3l लिखा है क्या? हाँ, तो नीचे का 3 बाहर आ जाएगा ना, जो 3 है वो बाहर आ जाएगा ना, फिर आप लिमिट रखो। अरे ये देखो बेटा, एक स्टेप मैंने गायब कर दिया इसलिए ऐसा लग रहा हो तुमको। तो अंदर क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस एल बाय टू और माइनस एल बाय टू। नो, अब तुम रखोगे तो एम बाय थ्री एल, एल बाय टू रखोगे तो क्या होगा, एल क्यूब बाय एट माइनस माइनस एल क्यूब बाय एट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यूब है ना, माइनस का क्यूब माइनस होगा तो आ जाता है फिर। इस तरह से आप इंटीग्रेशन मेथड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सर एक बार डायग्राम एक्सप्लेन कीजिए ना। ओके, डायग्राम क्या है बेटा, जैसे रॉड और इसकी लेंथ एल है, मास एम है, और जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो पास हो रहा है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, वो सेंट्रल एक्सिस है, सेंटर से जा रहा है, परपेंडिकुलर, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर, इस तरह से। तो आपको फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस। ये रोटेट कर रहा है, ये रॉड पूरा रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस। तो आपने क्या किया, अब मास को तो मालूम, मास तो टोटल मास दिया हुआ है, और आपने तो एक छोटा सा यहाँ पे पोर्शन, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका डिस्टेंस एक्स है, थिकनेस डी एक्स है, मास डी एम, ठीक है। तो पहले हमने मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिया एम बाय एल। अब यूनिट लेंथ का मास, अगर यूनिट लेंथ का मास, यूनिट लेंथ का मास एम बाय एल है, तो डीएक्स लेंथ का मास क्या हो जाएगा, एम बाय एल इंटू डीएक्स। तो छोटा सा मास मिल गया हमको, रख के इसको इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट रख दिया लेफ्ट से राइट फ्रॉम माइनस एल बाय टू टू प्लस एल बाय टू। डन सर। सर आपने माइनस क्यों लिया, माइनस एल बाय टू बेटा, यहाँ से हमने x का डिस्टेंस कहाँ से लिया था, यहाँ से लिया है ना बेटा, तो ये तो पूरा इधर से इधर तक जाएगा ना, पूरी रॉड लेनी पड़ेगी। अब तुम डिस्टेंस तो यहाँ से ले रहे हो, मतलब यू आर अकाउंटिंग डिस्टेंस फ्रॉम हियर, आपने इसको ओरिजिन से ले लिया। तो अगर लेफ्ट से वन एंड से अदर एंड पे जाएंगे तो क्या होगा, पूरा डिस्टेंस एल है, तो एल बाय टू इधर निकल गया, एल बाय टू इधर निकल गया, तो माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू तक जाना है, क्योंकि एक्स आपने कॉर्नर से नहीं लिया बेटा, एक्स जो है सेंटर से लिया है, इसका मतलब एवरी डिस्टेंस यू टू मेजर फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब अगर लेफ्ट से स्टार्ट करोगे तो माइनस एल बाय टू आएगा और इधर आएगा प्लस एल बाय टू। ऐसा नहीं, अगर तुम चाहते थे वो लेफ्ट से भी ले सकते थे, तो आंसर कुछ और होता फिर, अगर तुम लेफ्ट से लेते हैं आंसर कुछ और आता फिर, अगर एक्सेस मैं इधर कर देता। चलो अच्छा मैं करके बताता हूँ, वेट, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको मूव कर सकते हैं।
Done by everyone? Yes, sir. अच्छा जैसा इन्होंने बोला कि आप और कहीं से भी ले सकते थे, अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं सपोज कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, यू कैन डू योरसेल्फ ओनली. सपोज अगर मैं फिर से एग्जांपल ले लूं रॉड, अगेन दिस टाइम अगेन रॉड का लेंथ जो है मैं पूरा एल ले लेता हूँ, ये दिस टाइम मैं एक्सेस मास एम है, this time मैं एक्सेस यहाँ पे ले लेता हूँ, then I'm taking एक्सेस here. And rotating like this way. अब क्या करेंगे, फिर वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, छोटा सा लेंथ ले लेंगे इधर dx, इसका डिस्टेंस यहां से कितना है x, इसका मास कितना है dm, तो वैसे ही हम लोग कर लेंगे, यूनिट लेंथ का मास, यूनिट लेंथ मास, ये मास, यू कैन से मास, एक सेकेंड बस, और राज मास पर, मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, एम बाय एल. तो तुमने यूनिट लेंथ का मास निकाल लिया, तो ये dx लेंथ का मास कितना होगा, m by l into dx. तो मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट कितना होगा, यूनिट लेंथ का मास अगर यूनिट m by l है, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, m by l into dx. चलो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, दैट इज dm into r square. dm की जगह क्या रख देंगे, m by l into dx, r square की जगह x square, m by l बाहर चला जाएगा और x square dx लिमिट क्या रखेंगे, दिस टाइम जीरो से l तक रखेंगे, जीरो से l रख देंगे, तो जीरो से l तक हो गया लिमिट. नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट, m by l ये क्या आएगा, x क्यूब बाय थ्री, जीरो से एल, तो क्या हो जाएगा, m बाय एल, एल क्यूब बाय थ्री, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, m l स्क्वायर अपॉन थ्री. तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर चेंज हो गया क्योंकि एक्सेस बदल गया. तो मैंने पहले वाले केस में सेंटर से लिया था, इसलिए मैंने माइनस एल वाई से एल प्लस एल वाई टू तक लिमिट लगाया. अब इसमें तो मैं कॉर्नर से ले रहा हूं, तो इसलिए मैंने एक्सेस यहां पे ले लिया, दिस इज एक्सेस ऑफ रोटेशन हियर. सो फिर आप जीरो से एल लगाएंगे ना, फिर जीरो से एल लगाएंगे तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री आ जाएगा. आर यू गेटिंग दिस वन, यू शुड नो हाउ टू डू इट, स्पेशली जे स्टूडेंट मेडिकल में कभी कभार यूज करते हैं, नॉर्मली यूज नहीं करते हैं इंटीग्रेशन वाला. ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट लर्न ऑल द फॉर्मुलेज, एटलीस्ट सारे फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए कि रॉड का अगर एंड से जाता है तो एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री होता है, और जो इससे पहले आज हमने किया, अगर वो सेंटर से जाता है तो एम एल स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व होता है. टू लर्न द फॉर्मूला, ये सब फॉर्मुले आ रहे हैं, ये तो फॉर्मुलेज होंगे.
अच्छा जय स्टूडेंट, डेरिवेशन तो बहुत सारे होते हैं, डिस्क का होता है, स्फीयर का होता है, कोन का होता है, बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको दो ही तीन डेरिवेशन लिए, can I proceed? Oh, done. Okay. Done, sir. Okay. Now, अच्छा ठीक है। Now एक काम करो, there are some standard formulas, you have to learn it. There are some standard formulas. जय स्टूडेंट, मैं बाद में आपको किसी दिन सेपरेटली बैठ के और भी डेरिवेशन करा दूंगा इसके, ठीक है। कोन का करा दूंगा, डिस्क का करा दूंगा, मुझे याद दिला देना किसी भी दिन। किसी दिन अगर हम लोग अलग से बैठते हैं तो हम लोग करा देंगे, ठीक है। सो ऑल द डेरिवेशन, डिस्क याद नोट कर लेना, कोई वेदाश्री आप नोट कर लीजिएगा, डिस्क का, स्फीयर का, कोन का, सब डेरिवेशन होंगे, मैं आपको अलग से करा दूंगा, ठीक है। अभी जय न्यू स्टूडेंट इसने नहीं करा, ओके। सम स्टैंडर्ड फॉर्मुलेस हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे हमने रिंग का निकाला था एम आर स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मुला है। ये रॉड का निकाला एम एल स्क्वायर अपॉन 12, तो सारे एक्चुअली फॉर्मुले डिराइव किया जाता है, ठीक है। सो आप लोग ये फॉर्मुले डायरेक्ट लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। सो लेट मी टेल द फॉर्मुलेज फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ रिंग, यस, रिंग का तो आपको मालूम है, लेट्स से इट्स अ रिंग हियर, ओके, एंड देयर एक्सेस हियर, ये एक्सेस है इसका, ठीक है, एंड दिस इज यू कैन से दिस इज रेडियस आर, एंड दिस इज एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो इसका तो डेरिवेशन हम लोग निकल लिया था, क्या था, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम जो है वो रिंग का मास है। अच्छा, डिस्क का हम आपको कभी अलग से बैठ के कराएंगे। डिस्क का क्या होता है, डिस्क, तो लेट्स से इट्स अ डिस्क हियर, ये डिस्क है सपोज कर लो, एंड दिस इज एक्सेस हियर, ये पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से हो रहा है, जैसे ये पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज अ डिस्क, ओके। इसका रेडियस आर ले लेते हैं, एम जो है इसका मास ले लेते हैं। तो डिस्क का जब हम लोग निकालते हैं ना इंटीग्रेशन के पूरा, जैसे ये वाले मेथड से करते हैं ना पूरा, इस तरह से इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक है, इस तरह से हम पूरा डेरिवेशन करते हैं, तो हमको लास्ट में फॉर्मूला मिलता है इसका। ये भी सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, इसका फॉर्मूला मिलता है हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ लग जाता है, मतलब एम आर स्क्वायर बाय टू बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, रॉड का तो ये भी हमने किया है थोड़ी देर पहले, रॉड का तो ये भी किया हमने थोड़ी देर पहले। सो रॉड का जो होता है, रॉड का लेंथ हम क्या ले रहे हैं, एल, और इसका मास एम ले ले रहे हैं, और ये आज ही हमने डेरिवेशन किया कि रॉड का अगर इस तरह से एक्सेस जा रहा है और ये रोटेट कर रहा है अबाउट दिस वन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने कैलकुलेट किया कि एम एल स्क्वायर अपॉन 12, और एक और भी कैलकुलेट किया, ये वाला, ये जो एंड से जा रहा था हमारा, अगर एक्सेस एंड से जा रहा है और इसका लेंथ एल है रॉड का और मास एम लिया है, ये रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सेस हियर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी थोड़ा हम थोड़ी पहले निकाला हमने एम एल स्क्वायर अपॉन 3 निकाला ना ऊपर, ये देखिए अभी निकाला था एम एल स्क्वायर अपॉन 3 जो एंड से जा रहा है,
सो प्रॉपर्टी ऑन द फर्स्ट फोर फॉर्मुलेस, और फॉर्मुलेस मैं आपको देना चाहता हूँ. प्रॉपर्टी ऑन द फर्स्ट फोर फॉर्मुलेस, दीज आर द एक्चुअली लिस्ट ऑफ फॉर्मुलेस आई एम गिविंग यू. रोटेशनल मोशन में बहुत सारे फॉर्मुलेस हैं, 40-50 फॉर्मुलेस हैं. सारे फॉर्मुलेस बाय हार्ट सबको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, ओके. तो एंड से जाएगा तो एम एल स्क्वायर अपॉन 3, और सेंटर से जाएगा सेंटर मतलब सेंट्रल एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाएगा तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12, और एंड से जा रहा है तो एम एल स्क्वायर अपॉन 3. सेंट्रल एक्सिस के अराउंड एम आर स्क्वायर रिंग का है, और डिस्क का कितना है, हाफ एम आर. सर हाँ बोलिए. सर इसके पहले वाला का, पहले वाले का रिकॉर्डिंग भेजा है आपने? हाँ मैंने ग्रुप में डाला था, मैंने ग्रुप में डाला था, चेक ग्रुप पे चेक कर लेंगे. अब वंस यू कंप्लीट फॉर्मुलेस इनफॉर्म मी, सो आई विल गिव यू मोर फॉर्मुलेस. स्टैंडर्ड फॉर्मुलेस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिमेंबर. Done, sir. Okay. Now fourth one. I am talking about sphere. Sphere में फिर दो cases हो जाते हैं. Hollow sphere and solid sphere. Hollow sphere and solid sphere. Let's say this is solid sphere and other one is hollow sphere. दोनों ही ले लेते हैं. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज अ हॉलो स्फीयर. इट्स नॉट अ रिंग, इट्स अ स्फीयर बट हॉलो. तो वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? एग्जैक्टली एट द सेंटर. एक्सिस पासिंग थ्रू हियर फ्रॉम दिस पॉइंट. एक्सिस जो है उसका इधर से पास हो रहा है, एक्सिस हियर. ये सॉलिड स्फीयर है. R is the radius and m is the mass. So iska moment of inertia ho jata hai 2 by 5 m r square. This is solid sphere. Sabke derivation hai, remember. Aisa nahi ki aise hi aa gaya, sabke derivation hai. Theek hai, aur hollow sphere ka, hollow sphere ka jaise hi hai, हॉलो स्फीयर का 2 बाय 5 होता है. अगर रोटेट कर रहा है, मास m है और रेडियस जो है इसका r है, इट्स अ हॉलो स्फीयर. सो I इज इक्वल टू 2 बाय 3 एम आर स्क्वायर. ठीक है, द सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर. अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस हियर. नाउ फिफ्थ वन, सिलेंडर. Cylinder again, solid cylinder and hollow cylinder. This, let's say this is a solid cylinder here. This is a solid cylinder here. And this is axis of rotation. Solid cylinder, that is R is the radius and L is the length of the cylinder. Or hollow say ye solid cylinder hai, let's say. And it's a hollow cylinder again. It's a hollow cylinder. It's a hollow cylinder here. Axis of rotation, mass is m, radius is r. It's a hollow cylinder.
आफ्टर 10 मिनट यू हैव टू चेंज द लिंक, 10 मिनट के बाद लिंक चेंज कर लेना, ठीक है? हाँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दैट इज अच्छा, जस्ट सी दिस वन, कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है ना, इट जस्ट लाइक अ डिस्क. सॉलिड सिलेंडर कैसा होता है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे डिस्क बने होते हैं ना, जस्ट लाइक अ डिस्क. तो इसके डिस्क का ही जैसा हो जाता है हाफ एम आर स्क्वायर. एंड हॉलो सिलेंडर जस्ट लाइक अ रिंग. हॉलो सिलेंडर क्या है, छोटे छोटे रिंग की तरह. तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जस्ट लाइक अ रिंग. तो सॉलिड सिलेंडर को डिस्क की तरह, सॉलिड, एक सॉलिड सिलेंडर एक बड़ा डिस्क है, ठीक है? एक हॉलो सिलेंडर क्या है, एक बड़ा रिंग है. तो सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का सेम होता है, और हॉलो सिलेंडर और रिंग का सेम होता है. एंड वन मोर थिंग, ये आपके स्टेट बोर्ड में क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है. एक्चुअली 11th में नहीं है स्टेट बोर्ड के बुक में, ये 12th के बुक में, ये बोर्ड्स का चैप्टर है बेसिकली. हाँ, तो नेक्स्ट ईयर आएगा, बोर्ड्स का चैप्टर है, तो हम लोग अभी से पढ़ लेने, क्योंकि हम लोग तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना. Learn all the formulas. Done, sir. Okay. Then the sixth one, cone. Cone may be two cone ho jayenge, solid cone and hollow cone. And this is a solid cone, let's say. Theek hai. This is axis. ये एक्सिस है, इट्स अ सॉलिड कोन, आर इज द रेडियस, ठीक है? एंड सिमिलरली इट्स अ हॉलो कोन, ये हॉलो कोन है. Rotating about this axis, this is a solid cone, hollow cone, or is the radius. Iska moment of inertia hota hai 3/10 mR square, aur iska moment of inertia hota hai. Sab integration method se nikala jata hai, aise nahi aata, integration method se karna padega, theek hai? ये होता है हाफ एम आर स्क्वायर. सर कौन का एम का है, मास लिख दो ना बेटा, मास एम तो अंडरस्टूड है, मास ऑफ द कोन हो जाएगा, ठीक है? लिख दीजिए यहाँ पे, तो एम एम जो है ना बॉडी का मास रेफर कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है. सर हाँ बोलिए. सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो ना, ये वाला पॉइंट. हाँ सर,
डन सर, स्क्रॉल डाउन। तो आपका पहला टास्क क्या होगा, लर्न ऑल द फॉर्मुलेज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्लूडिंग कि उसका एक्सेस कहाँ से पास हो रहा है। वैसे ये सब स्टैंडर्ड है क्योंकि एक्सेस जो भी पास हो रहा है दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसका एक्सेस जो भी पास हो रहा है सब कहाँ से पास हो रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं। एवरी एक्सेस मतलब जितने भी मैंने यहाँ पे डायग्राम दिए हैं आप देखो स्टार्टिंग से लेके 1 2 3 सब कहां से पास हो रहे हैं एक्सेप्ट दिस वन, इसको छोड़ दो, अगर ये वाला वा छोड़ दो तो दैट वन, बाकी सबका जो एक्सेस है ना वो कहां से पास हो रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, ठीक है। लर्न ऑल द फॉर्मुलेज, ऐसे बच्चे याद रखते हैं रिंग का एम आर स्क्वायर, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर, रॉड का एम एल स्क्वायर अपॉन 12, रॉड के एंड से जाएगा तो एम एल स्क्वायर अपॉन 3, स्पीयर का सॉलिड का 2/5 एम आर स्क्वायर, हॉलो का 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है। कोन का सॉलिड का 3/10 एम आर स्क्वायर और हॉलो का 1/2 एम आर। तो डन ऑल द फॉर्मुलेज, फर्स्ट एक लिस्ट बना के सारे फॉर्मुलेज याद कर लो, ठीक है। अच्छा सो एनीबडी हैविंग डाउट रिगार्डिंग द फॉर्मुले, सारे फॉर्मुले इंटीग्रेशन मेथड से निकालेंगे, मैंने 2-3 निकाल के दिखाए थे, बाकी आपको सब इंटीग्रेशन मेथड से निकालना पड़ेगा। वैसे जरूरत नहीं है जेई स्टूडेंट को मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है, नीट में रिक्वायरमेंट नहीं। सो एवरीबडी कंप्लीटेड, yes boys and girls everybody completed, so I will crawl it and proceed teaching, huh? Achha, theek hai. Yes sir. Learn all the formulas at least, huh? Okay. Zyada nahi hai, 10-12 formulas hain, aise to aur bhi formulas aayenge, abhi to ho gaya hai, 12 yaad kar lena, theek hai, okay. Now the question arises ki ab theek hai neat mein to ho sakta hai ki wo thoda bahut changes kare, but J mein kya hota hai wo zaruri nahi ki hamesha access idhar se hi jayega, वो एक्स कोई और भी एक्सेस ले सकते हैं, एनीवेयर कहीं पे भी एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेस बोल रहा है ना, तो फिक्स थोड़ी ना है कि एक्सेस हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देयर टू थ्योरम्स, ठीक है, वो थ्योरम्स का नाम क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये डेरिवेशन सब आए आपके बोर्ड्स में 12th में। एक्सेस थ्योरम के बोलते हैं इसको, एक्सेस थ्योरम फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। ऑफकोर्स देयर आर टू थ्योरम्स, तो अगर सपोज कर लो हमको ये वाले एक्सेस नहीं चाहिए, ये जो हमने दिए थे ना एक्सेस यहां से जा रहा है, एक्सेस ऑफ रोटेशन हमें सब में एक्सेस ऑफ रोटेशन डाल रखा है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। अगर ये एक्सेस यहां पे से नहीं जा रहा है, कहीं और से जा रहा है, देन ये एक्सेस इधर से नहीं जा रहा है, एक्सेस ऑफ रोटेशन कहीं और से जा रहा है, तब क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा सो हमारे जो स्टैंडर्ड जो हमने फॉर्मुलेज लिए हैं, तो लिख दिस हियर, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सेस, कोई अलग एक्सेस लिया आपने, डिफरेंट एक्सेस ऑफ रोटेशन,